गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम 11th कॉमर्स क्लास. द सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडी एंड द टॉपिक विल बी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी और द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. रिमेंबर इन द लास्ट असाइनमेंट वी हैव स्टार्टेड द न्यू टॉपिक द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंड इट्स स्टेज. इन द फॉर्मेशन वी ऑलरेडी डन द प्रमोशन स्टेप वी ऑलरेडी डन एंड नाउ द सेकेंड स्टेप इनकॉर्पोरेशन और द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी हैज बीन स्टार्टेड टूडे इटसेल्फ. तो देखिए इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन क्या होता है. तो सेकंड स्टेज में हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे. तो कंपनी जो भी अपनी इनिशियल एक्टिविटीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्ट्रार के पास जमा कराने के बाद अगर रजिस्ट्रार सहमत हो जाता है तो उसे इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है. तो इनकॉर्पोरेशन बेसिकली चार स्टेप में होता है. उसके स्टेप के पहले मैं नाम बोलता हूँ, फिर हम उन स्टेप को अच्छे से पढ़ेंगे. पहला स्टेप देखिए क्या होता है. पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़. प्रीलिमिनरी माने कि प्राथमिक, शुरू में शुरू की कुछ क्रियाएं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. सेकंड स्टेज होती है रजिस्ट्रेशन की, डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, यानी कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं. थर्ड स्टेप देखिए पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस. हमें एक पर्टिकुलर फीस जो भी चार्ज करती है रजिस्ट्रार वो उसे पे करनी पड़ती है. और फोर्थ स्टेप आपका आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन. आपने कितनी कैपिटल लगाई उसके बारे में जानकारी भी आपको देनी पड़ती है. तो पहले स्टेप पे आ जाते हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़. तो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ में देखिए सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है. तो अब इसके भी स्टेप हैं, सिक्स स्टेप हैं इसके. देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस, तो सबसे पहले कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि किस स्टेट में किस राज्य में वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखेगी. ये डिसीजन कौन लेते हैं, डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स जिन्हें कहते हैं. कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो इस डिसीजन को लेते हैं. और ये नेसेसरी जरूरी होता है बिकॉज द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट ओनली वेयर इट हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है. तो जिस स्टेट में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहीं पर ही कंपनी अपना काम करना शुरू करेगी, हेड ऑफिस उसका वहाँ हो जाएगा. सेकेंड देखिए टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी को फिर अपना नेम भी डिसाइड करना पड़ता है. ये तो आपको पता ही है कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी के सिमिलर नेम नहीं रख सकती और ना ही उसे अपने नेम में किसी ऐसे शब्द का यूज़ करना होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शनेबल होता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है. कंपनी अपना नाम कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 20 में रख सकती है. वो नाम दूसरी कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए. थर्ड देखिए टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट अंडर 1951. तो कंपनी के लिए अगर ऐसा बिजनेस है, कई बिजनेस देखिए ऐसे होते हैं जहाँ लाइसेंस लेना जरूरी होता है, स्पेशली जो केमिकल वगैरह होते हैं या ड्रग्स होते हैं या दवाइयों के जो बिजनेस बनते हैं या शराब के जो कारोबार होता है, इनके लिए लाइसेंस लेना बड़ा जरूरी होता है. तो अगर कंपनी कुछ इस तरह का काम करने जा रही है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसे ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अप्लाई करना पड़ेगा. फोर्थ देखिए टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स. कंपनी को अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर, लीगल एडवाइज़र और ऑडिटर, ठीक है, इन सभी के नाम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखने पड़ते हैं. इनकी अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है. फिफ्थ पॉइंट देखिए टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड. कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं और आर्टिकल में उसे अचीव करने की पॉलिसीज और रूल्स डिसाइड किए जाते हैं. तो ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रिपेयर करने पड़ते हैं. सिक्स्थ है सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है. तो ये थी आपकी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज रजिस्ट्रेशन का पहली स्टेज. सेकंड देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार. अब कंपनी को डॉक्यूमेंट्स, कई सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने पड़ते हैं. पहला देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के लिए ऑब्जेक्ट क्लोज डाला जाता है कि कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. और साथ ही साथ यहाँ जितने भी मेंबर्स या डायरेक्टर होते हैं उन सबकी अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, कौन किस तरह की डिसीजन लेगा, ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है, ठीक है. एक जो पब्लिक कंपनी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर उस पर 7 लोगों को साइन करने पड़ते हैं, और एक प्राइवेट कंपनी होती है वहां पर मिनिमम 2 मेंबर्स को साइन करने पड़ते हैं. जो मेंबर साइन करते
कहते हैं उसके पास कंपनी का एक शेयर कम से कम होना ही चाहिए और कंपनी की स्टैंप भी उस पर लगी होनी चाहिए। तो पहला ये डॉक्यूमेंट उन्हें जमा करना पड़ता है। सेकंड देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बताई जाती हैं कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स और पॉलिसियां बताई जाती है जिससे हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ता है। द आर्टिकल आपका प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए और पैराग्राफ में इसे डिवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, फॉर अ पब्लिक कंपनी जरूरी नहीं होता कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए, नहीं होता जरूरी पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए होता है। अगर पब्लिक कंपनी ने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है तो फिर वहां कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, टेबल ए के, टेबल ए कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी रूल्स लिखे गए हैं वो वहां अप्लाई हो जाएंगे। थर्ड देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के बाद उन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस की प्लेस और सिचुएशन सब कुछ रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है, 30 दिनों के अंदर भेजनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के। फोर्थ देखिए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इन इंडिविजुअल्स की लिस्ट तैयार की जाती है जो डायरेक्टर के रूप में एज अ डायरेक्टर काम करने के लिए अपनी कंसेंट दे देते हैं, सहमति जता देते हैं। उस लिस्ट में उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी अदर बायोग्राफी भी शामिल की जाती है। अगेन प्राइवेट कंपनी की केस में डायरेक्टर्स की लिस्ट भेजना जरूरी नहीं होता। फिफ्थ देखिए रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, कंसेंट का मतलब सहमति होता है, यानी डायरेक्टर अपनी लिखित में सहमति देंगे। देखिए अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर द रिटन कंसेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल शुड ऑल्सो बी सेंड, तो उनके लिए रिटन कंसेंट भी भेजी